भव्य राम दरबार बना रहे हैं, वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं प्रभु राम की। 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा, रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा में उनका चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। नेताजी का टिकट क्या कटा, वह भरी सभा में ही बच्चों की तरह रोने लगे। राजद के पूर्व सांसद सरफराज आलम का टिकट कटने पर वह सभा में समर्थकों के बीच रोने लगे तो समर्थकों ने उनको सत्वाना दी। अहरिया से टिकट नहीं मिलने पर सरफराज आलम खुद को रोक नहीं सके। ये है आरजेडी के पूर्व सांसद सरफराज आलम, अहरिया से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, आरजेडी ने टिकट काट दी तो हो गए भावुक। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी जेडीयू आरजेडी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने कई नेताओं के टिकट भी काटे तो कुछ नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका भी दिया। अब ऐसे में कुछ ने तो दर्द को छिपा लिया लेकिन कुछ भावनाओं में बह गए। इन्हीं में से एक पूर्व सांसद सरफराज आलम है जो अररिया में पब्लिक के सामने ही मंच पर फूट फूट कर रोने लगे, जिसके बाद समर्थकों ने उनके आंसू पोंछे और सांत्वना दी। सबसे मालिक के पास जाना या चल परिवार के पास नहीं जाना। आज अगर हमारा बात तो लालू की हैसियत थी लेकिन आज के मैंने भाई कुर्बानी दी कर चार चुनाव तो साल में लड़े और अब पुलवामा अगर नहीं पार्टी क्या है, पार्टी तो हाफ आरजेडी से टिकट कटने पर पूर्व सांसद सरफराज आलम भावुक हो उठे और मंच पर रोने लगे। पूर्व सांसद सरफराज आलम का रोने का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरफराज आलम अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को मीटिंग कर रहे थे, समर्थकों को संबोधित करने के दौरान भावुक हो गए और अपने पिता एवं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन को याद करते हुए रो पड़े। आपको बता दें कि सरफराज आलम के बदले उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया। इसके बाद उन्होंने समर्थकों के साथ बैठक की और जमकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर अपनी भड़ास निकाली। अब देखना होगा कि क्या अररिया में अपने छोटे भाई के खिलाफ मैदान में उतरेंगे सरफराज आलम। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।